एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या कहा जाता है, बेशंकर जागरण, पुनर्जागरण। चलो ठीक है। मशीनों से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, रिमझिम खड़ा हो जाओ। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। क्या होगा बुआरे? सब बोलो औद्योगिक क्रांति। चलो बैठो। सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, किसमें बुआरे? चलो ठीक है। आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है, गोविंद? 1827। 18वीं शताब्दी 1750। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो गया, चलो याद करना है लेकिन गोविंद, ठीक है। कंपनी द्वारा खरीदा गया माल कहाँ रखा जाता था, चिंटू? फैक्ट्रियों में। कहाँ बुआरे? फैक्ट्रियों में। चलो ठीक है। अंग्रेजों ने किस नीति का अनुसरण किया, जोर से बोलो, बिलियन नीति। चलो ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, सूरज 1707 कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। चलो ठीक है। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई, सुधांशु? अस्थाई बंदोबस्त। क्या होगा? अस्थाई बंदोबस्त होगा। ठीक है, चलो बैठो। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था, चलो वो तुम खड़ा हो जाओ तो वो, हाँ बोलो रे। राजा। क्या होगा? राजा। उससे पूछे। चलो बैठो। ठीक है। रैतबाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया, आशुतोष? किसको बुआ रे? चलो बहुत अच्छा। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य क्या था, राजवीर? अपनी आयु बढ़ाना। चलो बहुत अच्छा। नील दर्पण के लेखक कौन थे, अंकुश? दिलबंधु मित्र। क्या होगा? दिलबंधु मित्र। नकदी फसल कहाँ उपजाया जाता है, गोविंद? बिहार में। कहाँ? बिहार में। चलो ठीक है। अस्थाई भूमि व्यवस्था कब अपनाई गई, गणेश? 1793। कब हुआ रे? 1793। 1793। दीकू किसे कहा जाता था, रिमझिम? किसको बुआ रे? गैर आदिवासी को। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे, तुम बताओ बुआ रे, तुम? छोटा नागपुर। क्या होगा? छोटा नागपुर। चलो बहुत अच्छा। झारखंड राज्य किस राज्य के विभाजन के परिणाम स्वरूप बना, झारखंड राज्य बोलो बुआ रे? बिहार। क्या होगा? बिहार। बिहार। चलो ठीक है। कंध जाति कहाँ के रहने वाले थे, विवेक? उड़ीसा। चलो बैठो। बहुत अच्छा। जत्रा भगत का संबंध है, चिंटू? ताना भगत। किससे बुआ? ताना भगत। ताना भगत।